नगर परिषद थानेसर की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा ने कहा कि शहर के सेक्टरों की सड़कों के नवनिर्माण पर सरकार की तरफ से लाखों रुपए की राशि खर्च की जा रही है। जिन सेक्टरों में अभी भी सड़कों की हालत खस्ता है उनका आंकलन नगर परिषद की तरफ से कर लिया गया है और सरकार की तरफ से जैसे जैसे बजट मिलेगा वैसे वैसे सड़कों का निर्माण कार्य तेज गति के साथ किया जाएगा। निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा आज देर शाम सेक्टर 8 के में मकान नंबर 1310 से 1335 तक की सड़क का उद्घाटन करने के उपरांत सेक्टर वासियों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि यह सड़क करीब 11 लाख रुपए की लागत से बनी है। प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से थानेसर हल्के के विकास पर कई सौ करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है और कई सौ करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले समय में भी कई सौ करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी शुरू किया जाएगा। इस शहर की सड़कों के निर्माण पर पूरा फोकस रखकर काम किया जा रहा है। सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने पर उनका पूरा फोकस है और दिन रात शहर के विकास को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। इस मौके पर बीएस नैन, समाजसेवी सुशील चित्रा, राजेंद्र सिंह, देवेंद्र हांडा, संजीव मास्टर, राजबीर, श्यामलाल, रमेश, राजू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। 35 से लेके 1310 से लेके 1335 तक। तो जैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो हमारा टेंडर हुआ था। हम आज उस गली को स्टार्ट करने के लिए आए और यहाँ पर आते ही हम लोगों ने सेक्टर 8 के निवासियों से जब बात करी तो मैं खुद आपसे उनके जो ग्रीवेंसेस मैंने सुनी है उनके मुख से आपसे बताती हूँ कि उनके सेक्टर 8 की जो है मोस्टली 8 में तकरीबन सारी गलियाँ विधायक साहब की कृपा से बनी हुई हैं। सिर्फ 4 से 5 गलियाँ बकाया हैं जो छोटी छोटी हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये गलियाँ भी बनाने की कृपा करें जिससे सेक्टर 8 में कोई भी गली पेंडिंग ना रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।